आसपास बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो रिट याचिका पर संज्ञान लेते हुए सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार स्थायी और व्यापक उपाय क्यों नहीं कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार तकनीक और तमाम दूसरी चीजों का सहारा लेगी और दूसरे उपाय भी किए जाएंगे। इसके लिए उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी बनाई जाएगी जो प्रदूषण से लड़ने के लिए तकनीक का अध्ययन करेगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिसंबर फिर सुनवाई होगी। आपको बता दें, आज हालात जो हैं वो और ज्यादा खराब हो चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में राहत देखने को मिली थी, हवा में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो वो आज और ज्यादा खराब हो चुका है। दिल्ली और आसपास में बढ़ते प्रदूषण पर इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्ती दिखाई है और कहा कि व्यापक उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि तकनीक और दूसरे उपायों का सहारा लिया जा रहा है। उच्च अधिकार प्राप्त समिति प्रदूषण से लड़ने के लिए तकनीक सुझाएगी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से महेश गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। महेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सख्ती दिखाई है प्रदूषण को लेकर। देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी एक बात यह हो गई है कि इस मामले को जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली का, या पोल्यूशन से जुड़ा हुआ जो भी इशू है, वो ऑलरेडी दूसरी एक अलग बेंच है वो सुन रही है, जो कई सालों से सुन रही है, और उस पर आज बकायदा 2 बजे के बाद सुनवाई भी होनी है, जिसमें पराली का इशू भी आया था और ऑडिवन गाड़ियों का भी इशू आया था, और जिसमें पीछे सुप्रीम कोर्ट ने, उस बेंच ने ऑर्डर भी किया था कि जो किसान है पराली नहीं जलाना चाहते उनको इंसेंटिव दिया जाए, 100 रुपये जो है प्रति हेक्टर कुछ क्विंटल का उन्होंने बताया था वजन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब एक अलग बेंच उस मामले को सुन रही है, उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने खुद आज इस पर संज्ञान लिया। खुद संज्ञान लेकर उन्होंने कहा कि पोल्यूशन की हालत बहुत खराब है, दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में हालत खराब हो रहे हैं, लोग अपने बेडरूम में भी सुरक्षित नहीं है। उस जब उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को बुलाया तो उनके साथ एक जो है जापानी विशेषज्ञ थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आए, जिन्होंने राय दी कि हाइड्रोजन फ्यूल पर भी हम चर्चा कर सकते हैं और हाइड्रोजन फ्यूल भी आना चाहिए। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी जो जितने भी निकाय हैं, जो सरकारी निकाय इस मामले से जुड़े हुए हैं, जो पोल्यूशन को देखते हैं, जैसे NDMC भी हो गया, MCDB भी हो गया और दिल्ली सरकार भी होगी, इन सभी को जो है मिलकर काम करें। साथ ही उन्होंने बोला कि एक जो है हाई लेवल की उच्च स्तरीय कमेटी बने जो सारे मामले को देखे और 3 दिसंबर को रिपोर्ट दे कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। वो अलग बात है कि 3 दिसंबर तक जो है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो जो उन्होंने 3 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी, जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट फिर उसी बेंच को चली जाएगी जो बेंच इस मामले को सुन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब एक बेंच इस मामले को सुन रही है, उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने आज खुद संज्ञान लेकर इस पर सुनवाई की। और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या कुछ कहा गया कोर्ट में सरकार की तरफ से? मैं जी देखिए, सॉलिसिटर जनरल से एकदम से तो अचानक ये सुनवाई हो गई थी, पहले से कोई प्रिपरेशन थी नहीं, ना ही कोई पहले से कोई इस पर नोटिस था, ना ही कोई उसमें कोई पिटीशन थी जिसको उनको जवाब देना था, क्योंकि एकदम से सुमोटो सुनवाई की चीफ जस्टिस ने फिर सॉलिसिटर जनरल को बुलाया, तो इसलिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस पर सरकारें बहुत काम कर रही हैं और सरकारों के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब CNG भी आया और पोल्यूशन को लेकर कई कई जो भी आदेश आते रहे हैं वो सब पूरे किए जा रहे हैं, और एक ODI भी जो है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में जो एक कमेटी बनी हुई है उसमें भी इस पर चर्चा होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैरामीटर भी बनाया हुआ है कि कितना पोल्यूशन होगा और कितना पोल्यूशन होगा तो उसके लिए क्या क्या होंगे, जैसे कि ODI किस स्टेज पे आएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क किस स्टेज पे रुक जाएगा, स्कूलों की छुट्टियां में किस स्टेज पे पोल्यूशन हो तो रोक दिया जाए, तो ये सब बातें उसके अंदर हैं। लेकिन इसके अंदर जब चीफ जस्टिस ने अचानक से सुमोटो लिया और सॉलिसिटर जनरल को बुलाया, तो सॉलिसिटर जनरल को तो नहीं पता था क्या चीफ जस्टिस अपनी तरफ से क्या रखेंगे, क्योंकि इस मामले पर ऑलरेडी दूसरी बेंच में सुनवाई 2 बजे के बाद होनी है, जिसमें ODI का इशू भी है और जिसमें उन्होंने ये भी मांगा है कि एक वकील ने कहा ODI होना नहीं चाहिए। उसके अलावा पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरी बेंच है उन्होंने जो है दिल्ली सरकार से मांगा था वो बताएं सुप्रीम कोर्ट को कि ODI से उनको कितना लाभ हुआ, तो ये मामला भी उस बेंच में था, तो इसलिए सॉलिसिटर जनरल ने उस मामले की तैयारी की हुई थी। लेकिन अब अचानक से चीफ जस्टिस ने उनको बुला लिया तो उन्होंने कहा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, और एक उच्च स्तरीय जो कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके लिए फिर 3 दिसंबर का समय रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ NGT के पूर्व चेयरमैन जो हैं स्वतंत्र कुमार जी, रिटायर्ड जस्टिस, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वतंत्र कुमार जी, सुनवाई तो लगातार हो रही है कोर्ट, सुमोटो कॉग्निजेंस भी ले रहा है, सख्त भी है कोर्ट, लेकिन हालात नहीं सुधर पा रहे उसके बावजूद, लगातार बल्कि डिटेरिएट हो रही है सिचुएशन पोल्यूशन की।
हाँ, ये आप सी कोर्ट्स, यू नो, कोर्ट्स कैन प्ले रोल टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. इट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. देर हैज बीन कोर्ट्स, हाई सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, हाई कोर्ट्स, ऑल हैव बीन वेरी अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड number of judgments have been passed, but their implementation remains an issue for us. But the implementation has to be collective effort, you know. जी. People have to work together, authorities have to work together, the regulatory authorities, the pollution control boards, the corporations, everybody must get together to resolve these issues. Because see, air pollution is not results from just one odd activity. It's a collective impact of different activities which are carried on by different stakeholders, and then the cumulative effect is the ambient air quality standards going bad to worst. So we have to make that collective effort. Citizens must to get together, authorities must to get together. See, courts can provide you the guidelines, the courts can provide you the gaps of law which are not already existing, the courts can make you conscious of what should you do, but then courts probably have their limitations also. आप ये कह रहे हैं स्वतंत्र कुमार जी, appreciate the history, जो policies बन रही हैं, उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, आप ये कह रहे हैं. चाहे कंस्ट्रक्शन बैन को लेकर दिल्ली एनसीआर में वो भी ठीक से नहीं लागू हो पा रही चीजें. We have enough laws, we have enough laws, we have enough judgments, we have enough committees working. What we really need to is get together as a society and work together to ensure that our generations don't suffer. Shukriya sir, shukriya Swatantra Kumar ji.